हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे ग्रुप डी में और रेलवे के सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, खासकर ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा विज्ञान के ही क्वेश्चन आते हैं। हम वही क्वेश्चन को पे वीडियो बनाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? जब सूर्य से किरण पृथ्वी पे पड़ती है तो कुछ किरण जो है सूर्य की पृथ्वी सोख लेती है, कुछ वायुमंडल सोख लेता है, बाकी को पृथ्वी रिटर्न कर देती है। और यदि ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की वायुमंडल में ज़्यादा है तो जो पृथ्वी रिटर्न करती है किरणों को, उसको वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैस दोबारा रिटर्न करके पृथ्वी पे भेज देती, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है, जो बहुत ही घातक है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवों पे बर्फ पिघलेगी और समुद्र अपनी रेखा सीमा रेखा बढ़ाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, सी ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, डी वाला, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जब कार्बन वाटर से क्रिया करती है तो नाइट्रिक एसिड बनाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। नीले लिटमस वाले पानी को अगर CO2 होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? तो लाल, नीला, हरा, दुधिया। तो इसका उत्तर होगा लाल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब गुजारी जाती है तो वह लाल हो जाता है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति एसिडिक होती है, इसी कारण वह लाल कर देती है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? ए हाइलोजन, बी विरल गैस, सी न्यूट्रल गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हाइलोजन गैस। हाइलोजन में आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्व आते हैं। आगे देखते हैं, पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और टिन, तांबा और चांदी, तांबा और निकल। तो इसका सही उत्तर है ए, तांबा और जिंक। प्रकृत रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई? मैडम क्यूरी, ए बी हेनरी बैकेरल, डी सी एनरिडो फर्मी, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी, हेनरी बैकेरल। दोस्तों, जो मैं समझ रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और देखते रहिए आगे। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लुई पाश्चर, लावन हक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। तो इसका है डी, बी लावन हक। और जॉन साल्क ने, याद रखिएगा, जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स छोटी बाता का टीका खोजा था। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड। इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें किस रोग के लिए कौन सा जांच
किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट रोग। आयला विट्रियाल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका उत्तर है पहला ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आयला विट्रियाल, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, रक्त जमाव। तो इसका उत्तर है डी, रक्त जमाव। क्रिसमस फैक्टर एमोफी। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। तो इसका सी उत्तर है, गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड कहा जाता है। आप लोग अक्सर कहीं ज़रूर देखे होंगे, एक फूल है उसमें चोंच डाल के कोई पक्षी वहीं फड़फड़ा रहा है, उसी को गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड कहते हैं, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए OS X, बी Windows 7, सी DOS, डी C++। इसमें OS X यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और C++ यही उत्तर है, यही सही है डी। C++ लैंग्वेज है, मशीनरी लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर यूज़ करता है। सहा नाभिकी भौतिक संस्थान SINP यहाँ स्थित है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। पश्चिम बंगाल। रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। टेबल दानेदार चीनी सामान्यता के रूप में जाना जाता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, ड्रेक्ट्रोज, फ्रक्टोज। इसमें है सुक्रोज। फ्रक्टोज जो है फलों में पाया जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, फैट, एम्पियर। तो इसका उत्तर है ए, कैलोरीज। केल्विन टेम्परेचर इससे मापा जाता है, एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा। तो इसमें सही उत्तर है ग्रह। देखिए, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और सैटेलाइट उपग्रह जिसे कहते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, मतलब कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? ये दोबारा शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है, इसीलिए कई जगह पे है। तो इसका है हेनरी बेक्यूरल। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है अल्फा कीड़ा किरणों से, बीटा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। तो इसका है सी, पराबैंगनी किरणों से। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? एथिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन, और ब्यूटेन का मिश्रण मीथेन। तो इसका सही उत्तर है डी, मीथेन। मीथेन सड़े गले वस्तुओं से निकलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4। एक क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, और कई हर एग्जाम में आता है, ए CaSO4 × 5H2O
बी CaSO4 इंटू 2H2O, सी CaSO4 इंटू हाफ H2O, डी CaSO4 इंटू MgO। तो इसका सही उत्तर है सी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ताप का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो ऐसे पूरे हुए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कहीं भी किसी भी पेपर से मिला लीजिए ग्रुप डी के, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।